फ्यूजन फूड तृप्ति में आप सभी का स्वागत है और आज की सबसे झटपट और स्वादिष्ट रेसिपी है मलबार पनीर। इसके लिए मैंने 500 ग्राम्स पनीर लिया है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में कट किया है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आया है। अब हम एक टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लेंगे। इस तरह से ये थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो काफ़ी अच्छा है। ये रेडी है आपके फ्राई पनीर। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। काफ़ी इजी है ये रेसिपी और खाने में काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट लगती है। एक पैन में थोड़ा सा तेल लेना है हमें। इसे हम कोकोनट मिल्क में बनाने वाले हैं। करीब 500 ग्राम पनीर के लिए मैंने 1 कप कोकोनट मिल्क लिया है। तो अब हम एक पैन में 2 स्पून ऑयल और थोड़ा सा प्याज, करीब 1 छोटा प्याज, आप उसको थोड़ा गोल्डन फ्राई कर लीजिए, और उसी में हम डालेंगे 2 हरी मिर्चें और करी लीव्स। ये हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा कट किया हुआ है और करी लीव्स है, इसे भी हम अच्छे तरह से टॉस कर लेंगे। ऑनियन थोड़ा सा पक चुका है, हरी मिर्चें भी थोड़ी पक चुकी हैं। ये डिश आप पराठों के साथ, राइस के साथ, या आप चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी है ये डिश। अब इस ऑनियन में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी का पाउडर और रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है थोड़ा सा, और नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। काफ़ी अच्छा कलर आया है, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने पनीर फ्राई करके रखे हैं वो भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से टॉस कर लीजिए आप सारा मसालों के साथ। वेरी नाइस, काफ़ी अच्छा कलर है। अब जो है हमने कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने 1 कप कोकोनट गाढ़ा मिल्क लिया है, तो इसमें हम ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। एक उबाल आने तक हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। मुझे ये ऐसा ही थिक काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसमें पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, पर ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो बस आपकी डिश रेडी है, झटपट आप ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा कुरियांडर में डाल देती हूँ। इंजॉय कीजिए मलबार पनीर, पनीर इन कोकोनट ग्रेवी। तो बने रहिए फ्यूजन फूड तृप्ति के साथ। अच्छा खाएं और अपनी सेहत बनाएं। शुक्रिया।